Assalamu alaikum everyone. It's Muhammad Imam and Inaya Imam. And today we are making Mazedar Murkh Chane. अच्छा भाई Inaya. तो मज़ेदार से मुर्ख चने हम बनाते हैं. आज संडे है और नाश्ते में मुर्ख चने के साथ आप नान कुलचे वगैरह बहुत फेमस है पाकिस्तानी डिशेज में. तो आपको तैयारी करते हैं, बहुत मज़ेदार से मुर्ख चने हैं ये और जब आप बनाएंगे तो एंजॉय करेंगे. मैं कोशिश करूंगा आपको सारे स्टेप्स अच्छे से बता सकूं और आप इन्हीं स्टेप्स को इसी तरह फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से मुर्ख चने बनने वाले हैं आपके पास भी. तो लेट्स डू. सबसे पहले तो जी ऑयल गर्म कर लेंगे हम थोड़ा सा. पतीला मेरा ऑलरेडी गर्म है तो ऑयल डालते ही जाए. तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल ले लेना है अपने, ठीक है. और इसमें प्याज मैंने रखी हुई काट के, तकरीबन ये एक बड़ी प्याज है, ठीक है ना. इस प्याज बारीक कटी हुई प्याज इसको हम ले लेंगे इसमें. अच्छा अब हम आपको बता देते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें, वैसे स्टेप्स में भी आपको बता देंगे कि क्या क्या चीजें डालना है, ठीक है. ये जीरा है, साबुत जीरा, बस दो चुटकी शामिल कर दिया. ऑयल के साथ ही डाल दें. Now the onion is slightly golden. प्याज तो कलर ये होना चाहिए, ठीक है. आपने यहाँ पे चिकन आज को थोड़ी सी हल्की कर देते हैं. अब यहाँ पे ये मैंने जो चिकन लिए है तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है और एक किलो से कम है. मोर देन हाफ हाफ किलो एंड लेस देन वन किलो इधर साइड. Chicken has to go with chane. Huh? If we like chicken, so we also have chane. I think it would be plain chane sauce. Chicken को डाल के थोड़ी देर oil के साथ इसको गरम oil में थोड़ा सा भून ले. इससे भी chicken की जो smell होती है वो थोड़ी पता ना पड़ती. Okay. अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे यहाँ पे दो चम्मच टी स्पून, ठीक है. फिर इसको थोड़ा सा भून लेंगे. भूनते वक्त हमेशा जो है आपने आँच तेज रखनी है. चिकन का कलर देखा वाइट होना शुरू हो गया. इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते मुर्ग चने में. जो कि रेसिपी जो मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते. नॉट मैनी में जो चिकन की जो यखनी होती है उसका टेस्ट फील होता है इसमें और थोड़ा शोरबे वाला होता है. तो आपको
नान के साथ या रोटी के साथ जब आप इसको खाते हैं तो आपको बहुत ही टेस्ट फील होना चाहिए इसका आपको। It has a lot of taste, but the masalas are less. कम मसाले हैं। चिकन का कलर देखने जरा ऑलमोस्ट काफी अच्छे से बन चुकी है चिकन। अच्छा अब हम यहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े मसाले हमारे इसमें दो बड़ी इलायची है ठीक है सिर्फ दो बड़ी इलायची डालना। गरम मसाले का पाउडर है ये आपने इलायची वन एंड हाफ स्पून ऑफ गरम मसाला टीस्पून या टेबलस्पून वन एंड हाफ टीस्पून ऑफ गरम मसाला धनिया पाउडर हाफ टीस्पून जीरा पाउडर डाल लेंगे वन टीस्पून ओके जीरा पाउडर वन टीस्पून एक हम ये डाल देंगे इसमें तेज पत्ता वन वॉट पत्ता तेज पत्ता एंड दही इसमें दो चम्मच डालेंगे खाने के दो चम्मच टेबलस्पून टू टेबलस्पून दही ठीक है अच्छे से फेंट के एंड देन वी आर गोइंग टू मिक्स दिस अगेन टोटल सारे मसाले ये डाल चुके हैं हमने अभी तक इसमें कोई मिर्च नहीं डाली है तो ये आपको बता दें इसमें जो मिर्च डाली है वो ये हरी मिर्चों का पेस्ट है ठीक है हरी मिर्च एंड अनियन नो ओनली हरी मिर्च हरी मिर्च का पेस्ट डाला है ठीक है बेसिकली इसका जो कलर है आप जो देख रहे हैं इसका कलर इसी कलर में जो चने मिलते हैं बाजार में आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा ये देखने में भी और खाने में तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ है ये। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने बीफ की जो है कुछ यखनी हड्डियों के जो यखनी होती है वो कुछ तैयार करके अपने पास रखी हुई होती है उसमें कुछ थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसका टेस्ट आता है इसमें बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है। इट लुक्स लाइक दैट बाजार की चले आप चिकन की यखनी भी डाल सकते हैं बीफ की यखनी मेरे पास अवेलेबल थी इसलिए मैंने बीफ यखनी डाली है बीफ की हड्डियों को वो करके यखनी शामिल कर ली इसमें। When will we add the chane? अच्छा मैंने इसमें अभी नमक इसलिए नहीं डाला कि मेरी यखनी में भी नमक है ठीक है और नमक हम बिल्कुल एंड में इसको चेक करेंगे। चने ऑलरेडी मेरे पास गले हुए रखे हुए ठीक है तो ये यखनी रेडी हो जाए मेरी उसके बाद फिर हम इसमें चने ऐड करेंगे। ओके तो और थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए चिकन में स्टॉक डाल सकते हैं केनेंस की ले लें कैनोर की ले लें। कैन वी ऐड चिकन पाउडर भी यूज कर सकते हैं ऑलरेडी ये ना इसकी अपना भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है लेकिन आपका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए ना ये डाल देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ जाएगा इससे भी। अब ये गोश्त को हल्की आंच में इसको छोड़ देंगे कोई 20-25 मिनट के लिए अच्छा जी यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं 25 और ऑलमोस्ट 25 मिनट हो चुके हैं
और बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो जरा देखते हैं, वाओ अमेजिंग, कैसी खुशबू आ रही है, जबरदस्त। चिकन हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी है और आप देखें जरा, यखनी ऑलमोस्ट बहुत ही जबरदस्त किस्म की हो चुकी है। अब यहाँ पे सिंपली हमारे पास एक कप चने के हैं जो ऑलरेडी गले हुए हैं, एंड दे हैव सॉल्ट इन टू, और इसमें भी नमक ऑलरेडी थोड़ा सा है, तो इन चनों को डाल देते हैं इसमें। और ये हरी मिर्च है, इससे भी इसका टेस्ट थोड़ा सा, हरी मिर्चों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है एंड में डालते हैं तो। और क्योंकि चने भी हमारे गले में और चिकन भी ऑलरेडी डन है, और बस हमें इसको 10 मिनट हल्की आँच पे इसको ढक के हम पका लेते हैं, ताकि चनों में यखनी का भी फ्लेवर आ जाए अच्छा सा और इसकी थोड़ी सी और थिक हो जाए। और बाकी इसमें और अब हमें कुछ भी नहीं ऐड करना, तो ये 10 मिनट्स के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे फाइनली, ठीक है ना। तो इसका कलर देखें, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर है इसका, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। और इसको अभी हम ट्राई भी करके देखेंगे कि क्या बनाए, कैसा बनाए। So 5-10 minutes have passed and wow, this looks good. We will dish this out right now. इसको आप 10-15 मिनट हल्की आंच पे छोड़ देंगे, जितना बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको छोड़ना, ठीक है, क्योंकि चने ऑलरेडी डन है और चिकन भी डन है। तो बस ये देखें कलर, दिस वुड बी बेस्ट सूटेबल फॉर राइस, बट इफ यू वांटेड मोर यू नो थिक, सो यू कैन ऐड अ बिट कॉर्नफ्लोर इन, बट वी थिंक दिस इज परफेक्ट लाइक इन चावल। हाँ, चावल के साथ भी खा सकते हैं इसको, वैसे शोरबा है क्योंकि इसका इस तरह से। And if you also have butter, you can put butter in, and that would taste good too. तो ये है मज़ेदार सी यखनी, यखनी मुर्ख चने आप कह सकते हैं इसको, चने मुर्ख चने कह सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार से हैं। आप इसको ऐसे सूप की तरह भी पी सकते हैं, चावल पे भी डाल के खा सकते हैं, और नान और रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इसको ट्राई बहुत ज़रूरी कीजिएगा, और इंशाल्लाह मुझे भी बताइएगा भी कि आपने कैसा बनाया इसको। मैंने तो बहुत ही ज़बरदस्त बनाया भाई। तो इस वीक के लिए ही काफ़ी है।